नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए NFO क्वांट कमोडिटीज फंड के बारे में। तो ये NFO ओपन हुआ है 8 दिसंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 22 दिसंबर 2023 को। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है कमोडिटीज और कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स में, और इस NFO के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो इस NFO रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं क्वांट कमोडिटीज फंड के बारे में। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम कमोडिटीज के बारे में। कमोडिटीज ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिसको माइनिंग, ड्रिलिंग या फिर एग्रीकल्चर के जरिए पाए जाते हैं, और कमोडिटीज बहुत ही वैल्यूएबल है। उसकी मांग पूरी दुनिया भर में रहती है और कमोडिटी की प्राइस उसकी सप्लाई एंड डिमांड पर आधारित है। अगर सप्लाई कम है एंड डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रहेगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस कम होती है। उसके बेसिकली दो प्रकार हैं, हार्ड कमोडिटीज एंड सॉफ्ट कमोडिटीज। तो हार्ड कमोडिटीज में एनर्जी, ऑयल, हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल, गैसोलीन। प्रेशियस मेटल में है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम। इंडस्ट्रियल मेटल में है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक, लेड, टिन एक्सेट्रा। एंड सॉफ्ट कमोडिटीज में है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कि सोया, गेंस, शुगर, कॉर्न, कॉटन, कॉफीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कमोडिटीज के बिना आजकल कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी कमोडिटीज़ की ज़रूरत भी बढ़ेगी, और भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में भी कमोडिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम भी कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कमोडिटीज़ में वॉलीटिलिटी भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। तो इस NFO का बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 स्टॉक्स होते हैं जो कि कमोडिटीज से जुड़े हैं, जो कि कमोडिटी सेक्टर से होते हैं, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट्स, पावर, केमिकल, शुगर, मेटल्स एंड माइनिंग एक्सेट्रा। तो ऐसे 30 स्टॉक्स होते हैं इस इंडेक्स के अंदर। इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 27.70%, मेटल्स एंड माइनिंग 22.30%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स 19.45%, पावर 16.25%, केमिकल्स 12.24% एंड कैपिटल गुड्स 2.06%। ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसका वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो यहाँ पर टॉप का स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.62%, फिर NTPC लिमिटेड 8.67%, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट 7.26%, टाटा स्टील 7.25%, कोल इंडिया 5.45%, उसी तरह से ONGC, हिंडालको इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल का टोटल रिटर्न दिया है 13.42%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 17.12%, और सिंस इनसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 12.21%। तो अगर आप भी इस NFO में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इस इंडेक्स में 80 से लेकर 100% का इन्वेस्टमेंट होने वाला है कमोडिटीज एंड कमोडिटी सेक्टर के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, और 20% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है अदर इक्विटीज में, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड, सिल्वर जैसे ETFs में, या तो फिर एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज में और फॉरेन सिक्योरिटीज में, और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। इस NFO की स्कीम डिटेल्स के बारे में बात करें, यूनिट अलॉटमेंट होगा 27 दिसंबर 2023 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 28 दिसंबर 2023 को। बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज सिक्योरिटी इंडेक्स। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, एंड ऑप्शन में डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन से अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर अंकित पांडे, संजीव शर्मा, वसाव सहगल एंड वरुण पटनी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। और इस NFO में स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी, एंड इस NFO में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस NFO में तो इस AMC की वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी क्वांट कमोडिटीज फंड के बारे में। अगर आपको NFO रिव्यू पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें।